मनी गुरु में आज हम बताने कि महिलाएं कैसे कर सकती है मनी मैनेजमेंट और आने वाले टाइम में कैसे डिजिटली वो स्मार्ट हो सकती है, कैशलेस तरीके अपना सकती है लाइफ की कई सारी जो बजट प्लानिंग करने के लिए। हमारे साथ पूनम रूंगटा है। पूनम, हाउस वाइफ्स को चलिए हमने स्मार्ट बना दिया, कैसे वो डिजिटल प्लानिंग कर सकती है, कैशलेस प्लानिंग कर सकती है और उनको बहुत सारे एवेन्यूज हमने बताए हैं। लेकिन ऐसा सेगमेंट अप जैसे जो हाउस हेल्प्स या मेड्स हमारे घर में काम करती हैं, शायद वो बहुत ज़्यादा साउंड ना हो इस चीज़ को लेकर कि आखिरकार मेरे जो घर में जितने भी रुपए आते हैं महीने में जो वो खुद कमाती हैं उनको मैं बैंक में डालूं, उनको मैं कैसे खर्च करूं, अगर घर पे रखूंगी तो अब आने वाले टाइम में परेशानी ना हो जाए, बैंक में डालूं तो कैसे निकालूं, तो काफ़ी सारे जो सवाल है वो मन में घूम रहे हैं। आखिरकार हाउस हेल्प्स या मेड्स को लेकर किस तरीके की परेशानी इस टाइम पर आ रही है और समस्या से दूर कैसे जा सकता है? देखिए, परेशानी उनके मन में है, पर जहाँ तक मैं जानती हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है, स्पेशली बॉम्बे में जो हाउस मेड्स हैं उन सभी का यू विल बी सरप्राइज दैट दे हैव बैंक अकाउंट्स और वो लोग ऑलरेडी काफ़ी इसके अंदर प्रोग्रेसिव हैं। वो अपने बैंक अकाउंट खाते में पैसे भी डालती हैं और उन्हें चेक से पैसे निकालने भी आते हैं। हाँ, जहाँ परेशानी आ सकती है यूटिलिटी बिल्स भरने के, अगर कल से आगे को चल के कैश में नहीं एक्सेप्ट होगा तो आई एम श्योर दे आर अवेयर हाउ टू मेक द पेमेंट थ्रू चेक्स, मे बी ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, अभी वो इतने इससे वाकिफ नहीं हैं। पर ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, जनधन योजना आने से उनमें काफ़ी अवेयरनेस ऑलरेडी आ गई है। जब गवर्नमेंट ने ये योजना लॉन्च की थी और ज़ीरो बैलेंस अकाउंट में अकाउंट्स खोले थे जिसके चलते करोड़ों अकाउंट्स ऑलरेडी खुल चुके हैं, तो ये बेसिकली इसी मासेस में यही इस कैटेगरी के लोगों ने खोले और क्योंकि इन्हें काफ़ी बेनिफिट दिए गए, उसमें इन्हें लाइफ कवर दिया गया है, एक्सीडेंटल कवर इंश्योरेंस दिया गया है फ्री ऑफ चार्ज, गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसे खर्च करे थे और इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और खाते खोलने के लिए, तो ये अकाउंट होल्डर्स बेसिकली इसी कैटेगरी के लोगों के हैं जो ये अभी यूज़ कर रहे हैं इसको और आगे चल के इसमें और भी ज़्यादा यूज़ करने के तरीके सीख जाएंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन का लें तो हमें लगता था कि खाली पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोग स्मार्टफोन्स यूज़ कर सकते हैं, पर आप आज आगे चल के देखें तो अनएजुकेटेड लोग भी स्मार्टफोन लैंग्वेज चेंज करके काफ़ी स्मार्टली यूज़ कर रहे हैं, वॉइस टॉक फीचर्स यूज़ कर रहे हैं। सो वी हैव अ स्मार्ट कंट्री, वी आर स्मार्ट पीपल, इंटेलिजेंट पीपल, एजुकेशन चाहे फॉर्मल एजुकेशन कम होगी बट दे वेरी स्मार्ट इंटेलिजेंट, वो बहुत जल्दी कैच करते हैं चेंजेस को। Absolutely. और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जिसके लिए सभी बहुत अच्छे से तैयार हैं। एब्सोल्युटली तैयार हैं, तैयार हो भी रहे हैं, मेंटली तैयार होना एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी तरफ से भी मदद कर सकते हैं, आपके घर में हाउस हेल्प है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं है अगर कि एटीएम से पैसे कैसे निकालें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे करें मोबाइल के थ्रू, क्योंकि स्मार्टफोन तो आजकल हर किसी के पास है, आप बस उनकी मदद कर दीजिए, एटीएम से पैसे कैसे निकालने हैं उनको बता दीजिए। थोड़ा आने वाले टाइम में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है लेकिन लॉन्ग रन में उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। पूनम, लेकिन चलिए हाउस हेल्प जो है वो आपसे, आपको जानते हैं, आपसे कंफर्टेबल है, रोज़ आपके घर में आती हैं या हो सकता है आपके ड्राइवर भी हों, लेकिन जो अगर रोड साइड वेंडर्स की बात करें, उन महिलाओं की जो काम करती हैं ऐसा जो जिसमें रोज़ उनको कैश उनको मिलता है या कैश ट्रांजेक्शन उनके होते हैं, उन्हें कैसे हेल्प किया जा सकता है? क्योंकि अगर हम खुद से उनका हेल्प करना चाहें तो क्या इनिशिएटिव लें? देखिए, डिपेंड्स ऑन द कैश कलेक्शन एवरी डे। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो कैटेगरी के लोग हैं ये रोज़ कमाते हैं और रोज़ खर्च करते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए, तो इनके पास बहुत ज़्यादा सेविंग बचती नहीं है। अगर थोड़ी बहुत सेविंग है तो थोड़ा बहुत कैश रखना तो अभी भी अलाउड है, अदरवाइज दे कैन ईजिली पार्क द मनी इन द बैंक, अपने सेविंग अकाउंट खाते जो ऑलरेडी खुले हुए हैं या ये खोल सकते हैं अभी जाके, उनमें जमा करा सकते हैं। पर नॉर्मली ये जो कैटेगरी के लोग हैं ये रोज़ कमाते हैं, रोज़ खर्च करते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा ऐसा सेविंग्स नहीं होता है कि ये महीने भर का राशन एक साथ खरीदे या एक दिन में इनकी हजारों रुपए में बड़ी कमाई हो रही है। सो आई डोंट थिंक दैट विल क्रिएट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। इनफैक्ट ये कैटेगरी के लोग सबसे ज़्यादा सुखी हैं अभी, इन्हें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आ रही है क्योंकि इनके पास न ज़्यादा सेविंग थी और न ज़्यादा इनके खर्चे होते हैं। ऑलराइट, फिर भी जागरूकता के लिए जितने भी लोगों को आप खुद से एजुकेट कर पाएं, कम से कम कैश, अगर कैश आपको लग रहा है एक्चुअली कैश क्रंच बहुत ज़्यादा है,
काफी सारे ऐसे तरीके हैं जैसे आपने मेंशन किया शो में, उसको अपनाकर आप सुकून भरी जिंदगी डेफिनेटली जी सकते हैं आने वाले टाइम में। और यह भी नीड ऑफ द आर है, आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ज्यादा डिजिटाइजेशन या जो हम बात कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में कैशलेस अगर इकोनॉमी सोसाइटी की बात करें उसकी तरफ बहुत अच्छा बेहतरीन कदम माना जाएगा। थैंक यू सो मच पूनम रूंगटा हमसे बातचीत करने के लिए और चर्चा करने के लिए इस खास शो में। तो मनी गुरु स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए।